खबर गाजीपुर जनपद से, जहां अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एक्शन में है। गाजीपुर में थाना कोतवाली अंतर्गत प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 9 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक कोम्बे सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 एक्ट के तहत संगीन आपराधिक धाराओं में जेल में बंद राम नरेश राय और उनके पुत्र रवि राय के खिलाफ ये कार्रवाई की गयी है। इन संपत्तियों का बाजारू मूल्य लगभग 9 करोड़ है। उल्लेखनीय है कि राम नरेश राय और उसका पुत्र रवि राय, ये दोनों गाजीपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते थे। इनके ऊपर हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी इत्यादि संगीन धाराओं में कोतवाली गाजीपुर में आपराधिक मुकदमा दर्ज है, जिसका उल्लेख कुर्की के दौरान पुलिस अधिकारी ने अपनी मुरादी में भी किया, जिसे पूरी जनता ने भी सुना। राम नरेश राय गाजीपुर के गैंगस्टर कोर्ट के एडीजीसी मीते और पद पर रहते हुए उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज विडम्बना देखिए कि इस सफेद पोस्ट पर उसके बेटे समेत गैंगस्टर की ही धाराओं में 9 करोड़ की कुर्की की कार्रवाई की गई है, जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म है। जो जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा आदेश संख्या 144/18 के तहत कुर्क किया जाता है। यदि उसमें वो भी व्यक्ति नागपुर प्रवेश करेगा तो उसके राम नरेश राय और इसका बेटा रवि राय, जिनके द्वारा यहाँ पे हत्याओं को अंजाम दिया गया था और वो हत्याएं आर्थिक लाभ के लिए की गई थी। आप लोगों को विदित होगा कि यहीं इसी हाथे में एक बिरनों का लड़का था जिसकी हत्या करी थी, जो इन्हीं के साथ इनके व्यापार में सम्मिलित था और उसकी डेड बॉडी को अपने ही एक परिसर में इनके द्वारा करीब 6 महीने बाद उसकी रिकवरी हुई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में इसके पूरे ग्रोह के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा गया था और जो इन्होंने अपनी अवैध गतिविधियों से जो भी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है उन्हें जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश पर गैंगस्टर की धारा 14 एक्ट के अंतर्गत जब्त किया गया। सर, इसकी बाजारी कीमत क्या होगी? आज जो संपत्तियां हैं, इनकी 4 संपत्ति हैं जो शहर के अंदर हैं और बहुमूल्य संपत्तियां हैं, जिनका बाजारू कीमत लगभग 9 करोड़ के करीब है।